नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल बीके ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, हमारे गुमला शहर में आ रहे हैं एलोड्राम के पास। तो चलिए फटाफट तैयार होते हैं, अभी 1:30 बज रहे हैं, 2 बजे वो आने वाले थे, पहुंचाने सकते हैं कि नहीं, चलिए देखते हैं। ये देखिए, फाइनली पहुंच चुके हम मैदान के पास, बामनी मैदान के पास, जहां पर नरेंद्र मोदी आए हुए हैं। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी पहले ही स्टेज पर आ गए हैं। फिर आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का काम पूरे झारखंड में चल रहा है, और इसमें कोई नहीं छूटेगा। करीब 10 लाख गरीबों के घर झारखंड में तैयार हो चुके हैं, और जिनको अभी मिला नहीं है सब घर हैं। मैं आपको भी वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, 2022 आजादी के 75 साल होंगे, आपका अपना घर भी होगा। अभी झारखंड में 8 लाख से ज्यादा नए घरों पर काम चल रहा है। जब गरीब की, आदिवासी की चिंता करने वाली, उसकी चिंता को दूर करने की कोशिश करने वाली सरकार होती है, तो जमीन पर काम नजर भी आता है। कैसे नई तरीके से काम कर रहे, कैसे गरीबों को उनका हक दिला रहे। मैं आपको जरा इसके विषय में बताना, क्योंकि इतना विराट जनसागर एक एक शब्द को जिस प्रकार से सुन रहा है, मेरा भी मन करता है कि बोलता नहीं चला। साथियों, आज गरीब अपने घर का सपना देख पा रहा है, क्योंकि अब किसको घर मिले ये किसी नेता के हाथ में नहीं। नहीं तो पहले भाई फतेहाबाद, उसी में ही गरीब का, आदिवासी का हक मारा जाता था। याद करिए, आपको सरकार से घर लेने के लिए कितना दौड़ना पड़ता था, और कट्टी वाले तो मैदान में आ ही जाते थे। बाय मोदी जी, बाय। अभी दूसरा हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है, बहुत लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, देखिए कितना भीड़ लगे हुए हैं। जिससे ही भाषण दे खत्म किए, सबको दौड़ते हुए इधर आ गए।
सबके लग सके। इतना ज्यादा भीड़ हेलीकॉप्टर देखे के लिए तो हाँ दोस्तों, फिलहाल हम पहुंच गए हैं घर, आप देख रहे हैं। तो आज गए थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, आप लोगों को पता ही है। वहाँ पहली बार गुमला आए थे नरेंद्र मोदी, तो बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में उसको देखने के लिए लोग आए थे। कुछ इतना ज़्यादा भीड़ ही था कि उसके नज़दीक में जाके आप लोगों को मैं वीडियो दिखा नहीं पाया। चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है, वीडियो उतना अच्छा नहीं बना है। अगर ये छोटा सा वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।